हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जैसे आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में इंटरमीडिएट फिजिक्स वॉल्यूम फर्स्ट में फोर्थ लेसन समतल में गति पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं समतल में गति। तो देखिएगा ये हमारा लेसन आपका फोर्थ है, ठीक है, यानी समतल में गति, ठीक है। यानी इसी को अगर देखें इंग्लिश में हम कहेंगे क्या, मोशन इन प्लेन। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि मोशन तो आपने देख लिया, ठीक है, मोशन ने पिछले लेक्चर में देख लिया कि क्या किसी भी ऑब्जेक्ट का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यानी स्थान परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं, गति कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं मोशन इन प्लेन है तो इसको समझते हैं। अब प्लेन की बातें करते हैं तो प्लेन देखिएगा, नॉर्मली हम बात करते हैं प्लेन की, प्लेन, ठीक है, यानी तल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें बात करते हैं तो तल में हमने देखा कि अभी तक हमने देखा है कि तीन ही तल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, तीन तल होते हैं। कैसे, अब उसको देखते हैं। तो प्यारे बच्चे, कहीं ना कहीं देखिएगा यहाँ पे अगर हम कुछ इस तरीके से एक्सिस अगर डिजाइन कर दें, ठीक है, एक्सिस डिजाइन कर दें, अगर ये चीजें नहीं समझ आ रही तो ऐसे देखिएगा एक मिनट। जैसे अगर हम इसको कर देते हैं, चलिएगा ये हमारा अलग हो गया, दूसरा जो है कुछ इस तरीके से अगर हो जाए और थर्ड वन ये कुछ इस तरीके से हो जाए, ठीक है। ऐसा यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपके जो ब्लैक है ये जो है आपके जेड एक्सिस है, रेड जो है वो है आपके एक्स एक्सिस, फिर ब्लू जो है वो आपका क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, कहीं ना कहीं ये सारे चीजें जो होंगी ये हमारे अलग अलग तल है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस रेड वाले को हम अब यहां पे अगर देखें तो तल ही देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा हम समझते हैं ये रेड वाला जो है, ठीक है, रेड वाला वो क्या है, होरिजेंटल बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, यानी क्षैतिज बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ब्लू वाला जो है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल, वर्टिकल, इसको ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। फिर से अगर बात करते हैं आपके जो ये है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ब्लैक वाले बात करें तो ये हो जाता है इंक्लाइन, हो जाता है इंक्लाइन, आनत, आ न तो, ठीक, इसको आनत बोलते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे तल कितने हुए, वो टोटल कितने हुए, तीन हुए, ठीक है, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और आनत, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं देखिएगा आनत, अब इसमें मेन आनत क्या है कि सीधी सी बात है, क्षैतिज क्षैतिज और एक झुकाव वाली लाइन के बीच जो एक एंगल जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आनत बोलते हैं, यानी आनत तल बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बातें। चलिएगा अब देखते हैं आगे इसमें कि
पॉइंट क्या है, अब यहाँ पे हमने देखा कि हमारे प्लेन जो हुए, प्लेन जो देखा हमने वो हमने तीन देखा, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और इंक्लाइन, ठीक है आनंद। लेकिन इन्हीं में अब 2D होता है और 3D होता है, ठीक है 2D और 3D। तो 2D के लिए ध्यान दीजिएगा कि ऐसे फिगर या ऐसे स्ट्रक्चर या ऐसे मोशन जो कि हमारे इसमें हो, एक्स में हो और वाई में हो, एक्स में हो और वाई में हो, तो इसे हम क्या कहते हैं 2D कहते हैं। लेकिन ऐसे मोशन या प्लेन या जो भी कह सकते हैं वो जो कि तीनों में हो, एक्स में हो, वाई में हो, जेड में हो, ठीक है उसे हम क्या कहते हैं 3D बोलते हैं। ठीक, तो आप लोग का क्वेश्चन है कि ये सब हमें सर क्यों बता रहे हैं, तो बताया इसलिए जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों 2D और 3D में डिफरेंट क्लियर हो गया। लेकिन हमें क्या करना समझना है कि समतल की बात करें तो हमेशा ध्यान दीजिए इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो क्या करेंगे, हम केवल एक्स प्लेन में हमें जो मूवमेंट होगा उसी को हमें देखना है, ठीक है यानी एक्स प्लेन में जो मूवमेंट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, समतल में गति कहलाएगा, ठीक है हमें ऊपर गति नहीं करना है, इंक्लाइन में नहीं करना है, ठीक है वो हमारा क्या है प्लेन में गति करना है, समतल में करना है, ठीक है। चूंकि अगर इसी में रफनेस ना ले तो देखिएगा कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, कुछ ऊपर जा रहा है, कुछ इसमें जेड एक्स यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है यानी 3D मूवमेंट हो गया यहाँ पे। ठीक, तो 3D में हमें नहीं चलना है, 3D में नहीं चलना है, केवल किसमें चलना है, वन डायरेक्शनल या ऐसा कह सकते हैं एक्स एक्सिस में हमें मूवमेंट देखना है, वही हमारा क्या कहलाएगा, समतल में गति कहलाएगा। तो इस तरीके से ज्यादा जो है लेक्चर को लंबा नहीं करेंगे, ये इंट्रो पार्ट था कि समतल में गति होता क्या है हमने देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखेंगे कि इसमें मेनली हमें पढ़ना क्या है। चलिए आइए मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।